सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो एनजेड पंजाबी न्यूज़ ते मैं हरसिमरन कौर हर रोज़ की तरह लैके हाज़र हाँ साडी खास रिपोर्ट। दिल्ली दियां बरूहां ते एक महीने दे वध समय तो तिना खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ़ संघर्ष कर रहे किसानों ने अपनियां मंगां ना मनिया जाण ते संघर्ष नूं होर तिखे करन दा ऐलान कीता सी, जिस तहत किसान जथेबंदियां ने खेती कानूनों खिलाफ़ भांडे खड़का के रोस प्रगटाउण दा ऐलान कीता सी। इस दरमियान बीते कल किसान जथेबंदियां वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे मन की बात प्रोग्राम मौके किसानों वालों भांडे खड़का के रोस जताया गया। मन की बात दे विरोध विच पंजाब अते हरियाणा दे किसानों ने थालियां अते पीपे वजाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम जिमें ही शुरू होया तो सिंगू बॉर्डर विच किसानों ने KFC तो पिछे कौमी मार्ग एक ते थालियां खड़का के उस तर्ज से खेती कानूनों का विरोध किया, जिमें प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं करोना योद्धियों लई थालियां खड़काउण दा सद्दा दिता सी। सिंगू तो इलावा टिकरी, गाजीपुर, पलवल, शाहजहांपुर धरनिया ते भी रोस वजों थालियां खड़काईयां गईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की मन की बात इस करके भी अहम मनी जा रही है क्योंकि इस बार उन्होंने इस प्रोग्राम विच नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी अते दसम पिता ते उन्होंने फरजंद चारे साहिबजादियां दा जिक्र सी। उन्होंने कहा कि लोगों नूं सिख गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी जी अते चारे साहिबजादियां दीआं कुरबानियां नूं याद रखना चाहीदा है। उन्हें यह भी कहा कि इन्हां कुरबानियां ने भारत के महान सभ्याचार अते सभ्यता नूं मजबूत करन अते कायम रखन विच सहायता कीती है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। खेती नाल जुड़े तीन कानूनों खिलाफ दिसंबर दी कड़कती ठंड दौरान भी वड्डी गिणती विच बुजुर्ग, बीबियां, बच्चे अते नौजवानों ने ट्रालियां नूं घर बना के दिल्ली दे बूहे डेरा लाया होया है। इत्तेफाकन ने चमकौर दी जंग विच वड्डे, सरहंद विच नीहां विच चिणे जाण वाले छोटे साहिबजादियां अते माता गुजरी जी दे शहादत दे दिन हन। साहिबजादियां ते माता गुजरी दी शहादत दी गल तां प्रधानमंत्री ने कीती, पर उन्हां दे वारिसां दे रूप विच दिल्ली दी हद उत्ते अपने हक्कां अते जायज़ मंगां वास्ते दिल्ली दी हद उत्ते बैठण वाले किसान परिवारां दी गल शायद प्रधानमंत्री मोदी दे मन तक नहीं पहुंच सकी। इस करके ही उन्हां ने इस साल दे अपने आखिरी प्रोग्राम विच किसानां दा जिक्र भी नहीं कीता। इस समय देश अंदर सब तों वड्डे सवाल अते मुद्दे वजों उभरिया इह किसान अंदोलन है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजे तक एक बार भी किसानां नाल गल करन नूं तरजीह नहीं दित्ती। पहलां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों कहा गया सी कि सरकार खुले मन नाल किसानां नाल गलबात करन लई तैयार है, पर हुण किसानां दे दित्ते गलबात दे सद्दे दा हवाला देना भी उन्हां ने जरूरी नहीं समझिया। जमहूरीयत विच संवाद लई इक वड्डी जगह हुंदी है, किसी भी समस्या ते मुद्दे दा हल गलबात राहीं सुलझाया जा सकदा है,
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हुण तक दे शासन काल दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्हां वल्लों महीनावारी किए जाते प्रोग्राम मन की बात करन दा एक पासड़ तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी वल्लों गुरबाणी का जिक्र करदियां कहा गया सी, जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए, जिस तो भाव है कि जब तक इस दुनिया विच जीना है उदों तक कुछ सुनना अते कुछ बोलना चाहिदा है, पर इस उत्ते अमल करन लई पहल सुने जाण दी हुंदी है। पर हुण तक प्रधानमंत्री मोदी वल्लों लोकां नाल संवाद करन दी बजाए सिर्फ अपनियां ही सुनाईयां गईयां हन। कोविड-19 दौरान भी करोड़ां मजदूरां दा पैदल चल के भुखण भाणे जाण दा मामला होवे, नोटबंदी विच होईयां मौतां जां परेशान होण दा, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी वल्लों सिर्फ अपनी ही सुनाई गई, जिसका खामियाजा उस समय आम लोगों नूं भुगतना पिया सी। हुण देश अंदर सब तो वड्डे मुद्दे वजों उभरे किसानी संघर्ष का जिक्र तक अपने भाषण विच ना करना अते संवाद राही इस मामले का हल ना कढ़ना किते ना किते जमहूरियत नूं ढा लाउंदा है। धन्यवाद।